एनी कमेंट? मैं घर की लक्ष्मी हूँ, मेरी मांगे पूरी होनी चाहिए। घर जी नहीं आ रहे। हेलो केम छो, नमस्ते और द्रमाचार। आज संडे और बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं भाई? 12:30, 12:30 बजे चालू किया है क्योंकि संडे था, छुट्टी थी, आराम से सोए थे। लेकिन फिर मेरी सीमा यानी मैं का फोन आया कि वो नहीं आ रही है, तो फिर वही उठना पड़ा। और कब से लगे हुए हैं काम में संडे। एक 5 mm की स्ट्रिप्स लाई हूँ। हाँ, एक ही पूरा बॉक्स लाई हूँ जिसमें है रोलिंग टूल, ओके, क्रिम्पिंग टूल, ओके। इसमें सारे अगर इयररिंग्स बनानी है तो उसपे कभी कुछ काम नहीं आने वाला है, ओके। ये दोनों है 10 mm की ट्यूब्स है। ये दोनों 5 mm की है पर कलर्स अलग है। और ये इंस्ट्रक्शंस हैं जो मेरे को जरूर चाहिए नहीं। और ये कुछ कार्ड बनाने के लिए, अगर कार्ड बनाने हो। हाँ, ये रोलर सेम है जो पहले। ये सब मुझे नहीं चाहिए था, पर एक था ना कि इंस्ट्रक्टर ने बोला था कि इंस्ट्रक्शन को लेकर। और ये सारी तो चाहिए ही थी। और भी लाई हूँ, और एक छोटी ग्लू की बॉटल लाई हूँ, बाकी तो ये भैया लाया ये कटर। ओके चलो मिल गया। ऑलरेडी भी कुछ है, दिखाऊं? ऑलरेडी मेरे पास इतनी सारी स्ट्रिप्स हैं, बट ये सारी दम ऐसी हो गई है, देखो। तो कुछ यूज होगा इनको? अब स्ट्रेट करके अब यूज करें तो अब देखेंगे। तो मैंने ऐसे लेके थोड़ा बहुत हो जाएगा, थोड़ा बहुत अभी इसका यूज करने का ट्राई करेंगे। बाकी सब पेपर्स तुम मेरे पास भी और सर भी लेके आएंगे। और भी है मेरे पास। घर की भागम भाग कर रही है। देखो सुबह से रेडी थी, सुबह से मंडी थी कि मुझे ये सब चाहिए। भैया को उठाओ और मुझे बोलो लेके जाओ। अब भैया लेके बड़ी 1 mm की स्ट्रिप्स है, दिखाओ। वाह, बड़ी इतनी है मेरे पास। अच्छा, पर 1 mm की ज्यादा मुझे, तो 1 mm भी है। हाँ, ये 5 mm है। हाँ, और ये भी 5 है शायद, 7 है। अरे वो स्ट्रिप जिगजैग बन जाती है, वैसी वाली है। अच्छा, इसको डेकोरेशन में वैसे यूज करने में देखो। हाँ, जिगजैग बन के दिखाओ। हाँ ना, मस्त लग रही है। अच्छा है, चलो गुड। अरे इसको अगर ज्यादा जिगजैग करना है तो दो बार करेंगे। अच्छा ठीक है, चलो करो एंजॉय। और बना लो तब बताना, या बनाओगे तब? स्कूल में बनाएंगे इसे तो। अच्छा ठीक है, ले। ये निकल जा रहा है। अरे इसको ना वो टाइट करने का वो मटेरियल अभी अंदर है, मैं तो अभी ऐसे ही निकाल रही हूँ। ओके, अच्छा सही है भाई, सही है। और ये बन गई हमारी स्ट्रिप और को। अच्छा है, नाइस। चलो मेरा खाना बन रहा है, हो गया खुश? चलो करो फिर भाई। संडे का दिन था तो मन था कि पूरा दिन बैठेंगे, बच्चों के साथ गप्पे मारेंगे, टीवी देखेंगे, लेकिन कोई नहीं, उसको भी काम था कुछ तो उसने छुट्टी ली है, तो ठीक है, चलो करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि सबका सब काम करना हो, आज थोड़ा बहुत स्किप भी कर सकते हैं, जैसे कि कपड़े आज नहीं धोने, कल धो देंगे। सब अंदर के रूम में पोछा नहीं लगाना है तो चलेगा। बाकी लेकिन सारे हॉल में, किचन में साफ सफाई, बर्तन, ये सब तो करने ही हैं ना। चलो भाई लग जाते हैं करने के लिए। और शर्लिन को सुबह से रेडी थी, उसको ये सब चीज़ें लेनी थी, वो लेके आई है प्रियंशु के साथ जाके। और मन्नू भी जब मुझे उठाए तब उठ के जूस पी के चले गए, और अभी आएंगे और लंच मांगेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊँ क्या है कि 2 दिन से 3 दिन से मन्नू बोल रहे हैं कि मूवी देखने लेके जाएं, लेकिन मूवी की चॉइस सबकी अलग है, सबको अलग अलग मूवी देखनी है। चलो मैं तो एडजस्ट हो जाती हूँ कि जो मनु को देखनी चलेगी, मुझे सलीम को देखनी है और चलेगी, लेकिन जो सोना को मूवी देखनी है वो मूवी किसी थिएटर में नहीं है। देखो पीछे से उसका हाय आया, मतलब वो मेरी पूरी बात नहीं सुन रही कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। लो भाई, तो बज गए हैं 2:45,
बज गए हैं 1:45 और जस्ट अभी फ्री हुई हूँ मैं। मतलब खाना बन गया है, काम हो गया है, सब कुछ हो गया है, सिर्फ आज कपड़े नहीं धोए हैं, बाकी सब हो गया है। तो चलो फिर अभी मनु की वेट करते हैं, वो आएंगे तब लंच होगा। और बच्चे अपने अपना काम कर रहे हैं, शोना टीवी मूवी देख रही है मतलब टीवी में, और प्रियांशु अपने फ्रेंड के साथ गया है, संडे है तो अब मनु आए वेट कर रहे हैं, उसके बाद देखिए आज मनु कहीं लेके जाते हैं। बोल तो रहे हैं 2 दिन से कि चलो मूवी देखने चलते हैं, 2 दिन से बोल रहे हैं, फाइनली आ गए मूवी देखने के लिए। चलो टिकट्स तो पहले से ही बुक कर ली है, बस अब खाली कलेक्ट करनी है। इसके लिए छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे हैं दोनों जने, मतलब छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे हैं चेयर के लिए। मेरी चेयर नहीं घूम रही है ना, तेरी चेयर घूम रही है ना, देखो क्या मजा आ रहा है, घूम रही है तो है, घूम रही है तो मजा आ रहा है। उसको वहां से उठाया लड़की, मुझे ये चाहिए। मैम दिस इज नॉट अवेलेबल। इसमें से क्या अवेलेबल है? ये पूरा पेज ही नॉट अवेलेबल है मैम, तो आप रख दीजिए। मेनू रख सकते हो या फिर मेनू देखने से पहले इस तरफ देख सकते हो। एनी कमेंट? मैं घर की लक्ष्मी हूँ, मेरी मांगे पूरी होनी चाहिए। घर की लक्ष्मी लड़की नहीं होती है मेरी। ना ना कच्ची में कच्ची में कर जवा जी करते हैं नहीं तो आऊं घर जी नहीं आ रही है मुझे, आऊं जी चाहिए मुझे मेरे लोग करते हैं। तो मैं जो बोलूं वो पूरा होना चाहिए, तभी घर में क्या घर में क्या घर में सब खुश रह पाएंगे। एड़ो पापा तरफ नहीं रहता। अगर मैं घर में नहीं होती ना तो घर में एकदम शांति होती है, क्योंकि ना ही कोई टीवी देख रहा होता है, ना ही कोई मस्ती कर रहा होता है, ना ही कोई बातें कर रहा होता है। मम्मी किचन में बैठी रहती है, पापा अपने रूम, भैया अपने रूम में म्यूजिक सुन रहा होता है। पापू एक पानी का बॉटल ले ले। चलो भैया मूवी टाइम हो गया है तो चल लें। तुम लोग लड़ा मत करो, दोनों जने लड़ो कम, देखो झगड़ा कर रहे हैं, देखो फिर मतलब जहाँ भी साथ में होते हैं झगड़ा करते हैं दोनों। चलो बच्चों चलो चलो चलो, तो आ गए हैं मूवी देख के और बजे हैं 12:15, मूवी देख के आ गए। तो कैसी थी मूवी हम सो गए थे, बच्चों को भी सुला के आ गई हूँ मैं, और ओके ओके थी मूवी, मैंने जिद की थी गुजराती मूवी देखने की, जिसकी वजह से मनु का मूड भी थोड़ा सा खराब हो गया, मनु का मूड थोड़ा सा खराब हो गया। तो ओके ओके थी मूवी, बहुत बुरी भी नहीं थी और अच्छी भी नहीं थी, मतलब एक बार देखने जैसी मुझे अच्छी लगी, लेकिन बाकी किसी को नहीं अच्छी लगी। तो हाँ, जो ये गुजराती मूवी जो थी सुपर हिट थी छल्लो दिवस, उसी के सारे मतलब कैरेक्टर थे, मतलब वही थे सारे एक्टर्स, लेकिन मूवी अच्छी नहीं लगी। तो चलो मूवी मूवी कर रहे थे 3 दिन से और देखी तो ऐसी मूवी। अच्छा वो मनु ने कुछ बोला नहीं किससे लेकर, चलो जो भी हो गया संडे ख़त्म। और बच्चे सो चुके हैं, मनु भी सो चुके हैं, अब मैं भी सोने जा रही हूँ। तो ये वीडियो को यहाँ एंड करती हूँ, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक कमेंट और शेयर, और हाँ मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए फिर मिलते हैं, गुड नाइट।